कि इनू की काम उदियां भैणां जवान हुण ते यार यार दियां भैणां दियां महिंदियां ते जाके ते उन्हां नूं डांस इस तरीके दा करके विखाउंदा है कि ओह यार दी भैण जनाब उत्ते फरेफता होवे ते फिर उहदी इज्जत नूं लुटदा है। यार ते ओह सी यार दी भैण नूं वेख के गली छड जांदा सी, मेरे यार दी इज्जत आ रही है। जिन्हें बैठे जे ना यारान नबी का तस्करा सुन रहे तो यारी का बल भी सीख जाओ। हाँ सीख जाओ, जिथे हो एक कमला समझावे वेड़ा, जिथे हो वेड़ा कमला समझावे केड़ा। अच्छा गल सुनी जे अल्लाह बरकत हकानी साहब लव यू लव यू लव यू अल्लाह बरकत अल्लाह बरकत सेम टू यू अल्लाह बरकत। कभी अच्छा मैं तुहाडे को जास्त ले लिया एक घंटा होया थके तो नहीं और मेरा चंद थके तो नहीं, ये मजदूर वो मेरे बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले ये मेरे सर के ताज हैं, ये थके तो नहीं ना, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं। अल्लाह की कसम जिस मजलस में सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा हो ना, अल्लाह की कसम मैं तावे से लिख के देता हूँ उस मजलस में अल्लाह से मांगा करो कभी खाली नहीं भेजेगा, कभी खाली नहीं भेजेगा। किवें इत्थे कई रिटायर अफसर बैठे ने 60 साल महकमे की खिदमत करके बैठे ने, महकमे ने कहा इज्जत महाब अली जनाब माई लॉर्ड तुमने बड़ी महकमे की खिदमत की है, तुमने बड़ी की है, मगर आपसे मैं कहता हूँ कि आप रिटायरमेंट लें और घर जाएं। बेटा तवज्जो, आप रिटायरमेंट लें और घर जाएं। तो कहता क्यों, कहते जी आपका दिमाग काम नहीं करता। वो कहते जी मेरी डिग्रियाँ देखें, कहते बस 7 साल हो गए पूरे घर जाएं। रिटायरमेंट लैके घर जाता है, अद्धे पैसे बच्चों को देता है मकान बन जाते, अद्धे ब्याह तो लाता बच्चे ब्याह जाते, थोड़े जे पैसे लैके उमरे तो जाता उमरा करके घर आता, नौवां लिख दिंदियां ने बाबा किसी भी काम का नहीं। अर्श वाला कहिंदा सोटी लैके मसीते आ जा मेरे अजे भी काम का। जे महल की मसीत वाले ना टिकन तो मौलाना नजर रहमान साहब रायवंड वाले आते हैं, जो तेन मसीत का मौल भी धक्का दे तो रायवंड आ जावी, इतों दीन भी लगेगा दुनिया भी लगेगी, पैसा ना भी ना लिया भी बैंक इतने बड़ा खुला है। कितने बैठे हैं तुम कहते हो दीन ने हमें क्या दिया है, और जब सारे महकमों ने तुम्हें कह दिया कि तेरा तमाम काम नहीं करता, तेरी डिग्री काम नहीं करती, आओ मैं तुम्हें बताऊं आज अब्दुल वहाब साहब की डिग्री में कितनी ताकत थी कि लोग चारपाई को हाथ लगाने के लिए तरसते थे मगर हाथ नहीं लगा। अल्लाह बताना चाहता है जिसके पास मेरे मोहम्मद की डिग्री हो वो कभी रिटायर होता ही नहीं, हर वक्त काम वाला होता है। हर वक्त ये कौन सी डिग्रियों की तुम बात करते हो जिसके लिए तुम्हें दुनिया में टेस्ट कराना पड़ता है, वो कहते हैं ये जेली है, आओ डिग्री मोहम्मद अरबी के दीन की लो, कोई जेली कर ही नहीं सकता, इसकी तस्दीक रब्बे अर्श अजीम के मालिक के पास। तुम इनकी डिग्रियों की बातें करते हो, काम वाले बन जाए। अल्लाह की कसम उठाता हूँ मैं 2-4 दिन पहले रायवंड मरकज़ में था तो वहाँ मैंने बड़े बड़े बुज़ुर्गों से मुलाकातें की, वहाँ मैंने ख्वाहिश की, मुझे बोलने के आपकी कोई ख्वाहिश हो, तो मैंने कहा मुझे वो आदमियों से मिलाएं जिन्होंने ज़िंदगी वक़्फ़ की है। मैंने किसी से नहीं कहा कि किसको बुलाओ, सिर्फ कहा कि उन लोगों से मुझे मिलाओ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, जब मैं उनसे मिला ना तो मुझे कहने लगे ये ख्वाहिश क्यों थी, मैंने कहा इसलिए कि हम गाड़ी पे जाते हैं, हमें अच्छा किराया मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, फूल बरसाए जाते हैं, फिर भी कभी इतना अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ये अपना जान माल टाइम सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी इन्होंने, हमें तो स्पीकर ख़राब हो जाए जुमे में तो सारी मस्जिद इंतज़ामिया का असी जुलूस कर देने, तो ये अपना सब कुछ लगा कर इधर बैठ के ज़िंदगी वक्फ कर दी। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, पर कुर्बान नबी सारे ने आन गवान वेखना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान
चादरा मेरा मन मिल के पढ़ना प्यार नहीं वो सहरा का बाबा सहाबे नबी ने जब भी दुआ मांगी मुस्तफ़ा के बाद तो हजूर के चचा को साथ लेकर गए। सहाबे नबी को तुम आले बैत से कैसे जुदा कर सकते हो? कौन कहता है सहाबा आले बैत की जुदाई होगी? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। कौन कहता है कि ये जुदाई होगी? ये जुदाई कैसे हो सकती है जो नमाज में कहे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये कैसे जुदाई हो सकती है? अच्छा यार मेरी बात सुने, हमने मुस्तफ़ा को देखा नहीं है, अल्लाह ख्वाब में दिखा दे। हमने देखा नहीं है तो हम हसनैन का नाम आ जाए तो भाग भाग हो जाते हैं जिन्होंने कंधे पे देखा है, जिन्होंने सजदे पे नबी देखा हो कि पुश्त पे सवार है। अच्छा चलो अगली बात और दलील दे दूं, हमने देखा नहीं तो फातिमा तो ज़ारा के कफन की मिसालें देते हैं कि उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों को पैगाम है। तुसी मर्जियां कर दियाँ जे गड्डी च बैठी होवे गर्मी होवे ते बाहर 60 ते 52 ते 57 ते डिग्री सेंटीग्रेड ते गर्मी होवे जून जुलाई दी, तू गड्डी च बैठी होवे भैणा ते तेरा बंदा होवे गड्डी दा ड्राइवर ते गड्डी हो जाए पेंचर ते वो स्टेयरिंग ते बैठा ही आखी जाए पुत्र के स्टपनी ला तेनू लग पता जो बराबरी की होती ते रात दा एक वजा होवे ते डेंगी मच्छर होवे ते डी जावे उड ते नाल दा कवे चल जरा खंबे ते चल ते डी ला ते तेनू आवे बराबरी दी चस ते गर्मी दे हान रोजे इधर ध्यान कर कड़ी कड़ी इधर की वेना है तो जो मेरे वल मैं चन जे नरमी कर रहा तेरे नाल मेरा चन की उधर बार बार वेना है उधर शेर शीर मेरे चन एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट वरी मेरे चन मेरे मन मेरे चन। अच्छा भी इन्हें गल ही पासे लाती है, मैं तेरी सोनी गल समझा रहा सा, ये मेरा जिसम मेरी मर्जी को क्या पता है? गर्मी दे रोजे ते दही ले होना होवे ते दुकान ते लगना पवे अद्धा घंटा लैन च नू लग बराबरी दा पता जाए। हाँ जी सवेरे अखा मलदी जावे, हाँ जी ते जावे भी सोना पा के 200 दा दही लैन जावे 10 लाख दा सोना लटावे ते बराबरी दी आवे चस। हाँ जी मैं ते कट बट जावांगा, तेरा जिस्म तेरी मर्जी है, फलाना भी सुन ले फलाना भी सुन ले फलाना भी सुन ले, हमें सुनने की क्या जरूरत है? तू आ मैदान च मैं दसन दिया तरीके के, कहते हैं बराबर चलो बराबरी कर ले, लेंटर पै रहा वे ते होवे गर्मी ते बीबी नू कहो लै मोबाइल फड़ के ते ना मजदूरां नू जनाबे वाला रोटी भी खवानी हूँ ते लेबर नू भी पूरा करना ही ते लियाना ही जनाबे वाला बाहरों जाके नाई तुहानू कहना रोटी लिया सारा दिन जदों पूरे कबीर वाले च कदी जाऊ लेबर वाले को कदी जाऊ शटलिंग वाले को कदी जाएगी कढ़ाई वाले को कदी जाएगी जनाबे वाला फटे वाले को कदी जाएगी जनरेटर वाले को कदी जाएगी पेट्रोल पंप दे तेल दे इनू लग बराबरी दा पता जाऊ बंदिया ना की पा तुलदी है करे बराबरी ते साडे बंदिया ने भी बड़ा भैड़ा काम किया, सारी उम्र प्यो ने कमाया उन्हें गड्डी लैके दी है लैंड क्रूजर वी ए टी एक्स टी जेड फॉर्चूनर बी एम डबल्यू फोरिंग ओडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लैक्सिस जी एम सी अमेरिकन ना भी किया स्पोर्टेज कियाना लियाना अल्टस कल्टस साबनदानी कोरे मेहरान एनिया गड्डिया लैके दी अबे ने तो इन्होंने की किया
ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਬਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋ 'ਤੇ ਰੁਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਦੁਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੋ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਔਰਤ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਹਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਏ, ਯੇ ਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਹਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਵੇ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਕਵੇ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹਾਕਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਯੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਮਾਰਤ ਉਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਬੂਹਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟਾਊਨ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੇਟ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੇਟ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਲਾ, ਬੂਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ, ਔਸਾਬੁਲ ਜੰਨਾ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਤਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਚੱਲਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਅਨਵਰ ਦਾ ਉਜਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇਰਫਾਨ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਯੇ ਵੋ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਦਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾ ਲਾ। ਚੱਲਿਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਜੰਨਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੜਾ ਦਾਂ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਜਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ। ਸਦੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣੋ, ਆਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਸਦੀਕ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਏ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਫੱਸਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਕਕ ਕੋਈ ਮੁਅਰਖ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਦੀਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਚੱਲੋ, ਨਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਕਰ ਯਾਰ ਸਦੀਕ ਤਿਆਰੀ, ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਰ ਯਾਰ ਸਦੀਕ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰੀ, ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਰੀ, ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰੇ, ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਹੋ ਰੇ, ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਹੋ ਰੇ, ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰੇ,
ਨਾਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਨ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਆਉਰੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਤੇ ਆਉਰੇ ਮੁਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਜ਼ਕਾਉਲਾ ਤੇ ਆਉਰੇ ਨਾਸਰ ਬਜ਼ਨੀ ਪੜੇ ਤੇ ਆਉਰੇ ਸਦੀਕ ਪੜੇ ਕੀ ਕਿ ਆਪੇਸ਼ ਕਰੂੰ ਤੁਝਕਾ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਮਾਰੀ